और वहीं अग्निपथ पर सियासत जारी है। अग्निपथ योजना के खिलाफ अब कांग्रेस रेस हो गई है। इस योजना के खिलाफ कांग्रेस ने झारखंड समेत देश भर में विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र से अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की। कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी ने पलटवार किया। कांग्रेस रेस, देश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन, अग्निपथ योजना का विरोध। अग्निपथ के खिलाफ अब कांग्रेस सड़क पर उतर आई है। झारखंड समेत देश भर में कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया। राज्य में कांग्रेस भवन से डीसी ऑफिस तक प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने मार्च किया, जिसके बाद डीसी ऑफिस की सभा का भी आयोजन किया गया। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र से अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की है। इस बार एक बार फिर प्रधानमंत्री जी को घुटने टेकने पर हम मजबूर करेंगे, तानाशाह की तरह काम नहीं करने देंगे और अपने पूंजीपति मित्रों के लिए जो 4 साल की ट्रेनिंग दे करके उनको गार्ड की नौकरी दिलाना चाहते हैं, ऐसे मंसूबे को हम कामयाब नहीं होने देंगे। जवानी से पहले रिटायरमेंट दे देना, अगर ऐसा है तो प्रधानमंत्री और जो रक्षा मंत्री हैं उनको भी अब तक रिटायरमेंट ले लेना चाहिए था। 3 बार जो 23-24 साल में रिटायर जो हो जाएगा वो देश के लिए कितना घातक होगा, ये शायद देश के लोग ज्यादा समझ रहे हैं, सत्ता के मद में पागल लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मोदी सरकार तो मद में पागल है ना, देश बांट। अग्निपथ के खिलाफ बिरसा चौक के पास भी कांग्रेस नेताओं ने धरना दिया। कांग्रेस के सत्याग्रह में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय समेत कई नेता मौजूद रहे। जमशेदपुर में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की अगुवाई में कांग्रेस नेताओं ने डीसी ऑफिस के पास धरना दिया। इस दौरान बन्ना गुप्ता ने कहा कि इस योजना से सेना में भी ठेका प्रथा की शुरुआत हो जाएगी। जब हमारे नौजवानों को जिनके अंदर जोश जुनून है सेना में जाने का, उनको यदि ठेका प्रथा और उनको अनुबंध पे रखने का काम होगा तो स्वाभाविक विरोध होगा। लोहरदगा में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने धरना दिया। रामेश्वर उरांव ने केंद्र से इस योजना को वापस लेने की मांग की है। 25 साल के बाद ही आदमी परिवार बढ़ाता है, परिवार बनाता है, शादी करता है और परिवार बढ़ाता है, उस समय रोजगार की जरूरत होती है, इनकम की जरूरत होती है, आय की जरूरत होती है, और आप उसको उसी स्थिति में ला करके बेसहारा छोड़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इस नीति में कमी है, भारी कमी है। महागामा में अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस के सत्याग्रह में विधायक दीपिका पांडे सिंह शामिल हुई। इस दौरान परासी चौक से प्रखंड मुख्यालय तक कांग्रेसियों ने मार्च किया। पलामू में भी अग्निपथ स्कीम के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने केंद्र सरकार से अग्निपथ योजना में बदलाव की मांग की है। अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस के देशव्यापी विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी ने पलटवार किया। आज अग्निपथ और अग्निवीर का विरोध कर रहे हैं। दुनिया के 9 ऐसे बड़े देश इसी प्रयोग को आगे बढ़ाते हुए और अपने सैनिकों को हमेशा नौजवान बना करके दुश्मनों के दांत खट्टे करने की कार्यक्रम किए। भारत भी एक उसको आगे बढ़ा है, इस संदर्भ में हमारी सेना नौजवान हो, हमारी सेना में स्किल्ड हो और हमारी सेना में नए लोगों को रोजगार मिले ज्यादा से ज्यादा, यही तो है संकल्प। लेकिन ये जो केंद्र में बैठी हुई सोनिया गांधी है ना, कांग्रेस की, राहुल गांधी अभी ईडी के दरवाजे में बार बार दौड़ लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के मामले में, इसलिए इसका विरोध करके दिशा लोगों को दिभ्रमित करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये मामले जनता के सामने भ्रष्टाचार के मामले, राहुल गांधी के मामले को लोग ध्यान न दें। अग्निपथ योजना के तहत एक तरफ बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई है, दूसरी तरफ इस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। राज्य से विपिन उपाध्याय, राजेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।